हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कदम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। 10 जनवरी रेलवे आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी हुआ है। कैंडी से बात करेंगे, जानेंगे कैसे हुआ एग्ज़ाम, कितने क्वेश्चन उन्होंने किए और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में सर वैसे लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, जो भाषा से रीडिंग होते हैं कोडिंग डिकोडिंग वगैरह ज़्यादा आ रही है उसमें। जो मैथ के क्वेश्चन है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ दे रहा है, और तो क्वेश्चन तो नॉर्मल ही हैं, और जी के नॉर्मल आ रही है। जी के में क्या क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं? जीके में मतलब ज़्यादातर नॉर्मली आ रही है, 40 तुम्हारा अगर ठीक है तो 35 क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन बता सकते हो क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में? जीके से राजधानियाँ पूछी, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है ऐसे पूछी थी। ब्राज़ील की मुद्रा पूछी, ब्राज़ील की मुद्रा कौन सी है? अच्छा, और उसमें ब्राज़ील की मुद्रा, ब्राज़ील की मुद्रा। और ऐसे पूछा सांची, सांची का स्तूप कहाँ है, एक ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ब्राज़ील की मुद्रा पूछी थी, ब्राज़ील की मुद्रा पूछी थी, ब्राज़ील की मुद्रा पूछी थी एक, और ऐसे दो चार क्वेश्चन और पूछे ऐसे। संविधान से 370 वाला अनुच्छेद पूछा था, मतलब 370 अनुच्छेद किससे संबंधित है, और राज्यसभा से संबंधित दो तीन क्वेश्चन आए थे। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष सभापति होता है उसका सदस्य होता है या नहीं होता है, और राज्यसभा साधारण ब्याज से क्वेश्चन आए थे। बताओ क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन मुझे याद नहीं। एवरेज निकालने के लिए आया हूं, एवरेज आया था, क्या क्वेश्चन था? वो लेंथ आया था, तीन चार क्वेश्चन आए थे, तीन चार क्वेश्चन आए थे। का औसत 10.9 है और 1% बढ़ा दी, 11 केजी बढ़ा दी जाए तो कितना औसत होगा, फिर ऐसा पूछा था। कोई क्वेश्चन मेंसुरेशन से? मेंसुरेशन से था, जैसे किसी एक स्क्वायर है तो क्यूब है, क्यूब का, हाँ क्यूब का जो उसका था घन का विकर्ण था 9.3। तो और इसको अगर उसमें घनाव में बदलें तो उसकी एक भुजा 9 है, एक भुजा 9.5 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, ये पूछा था। कोई बुक्स राइटर का नाम? बुक्स राइटर का नहीं, बुक्स राइटर कोई खेल से क्वेश्चन आया हो? हाँ, काफ़ी आए थे खेल से। किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम। और खेल से संबंधित? हाँ, पीटी उषा का आया था, उसे क्या बोला जाता है? पीटी उषा को क्या बोला जाता है, ये आया था। साइंस में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीथेन का वो पूछा था, CH4 जो है, और कार्बन का वो पूछा था, उसका कार्बन का क्या है, एसिटिक अम्ल का मूल स्रोत, और क्या किसी क्वेश्चन पूछे थे केमिस्ट्री से, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है, भाई नहीं नहीं ग्रेविटी से कोई क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था, एक एवरेज से क्वेश्चन था। नॉर्मली एक समबाहु त्रिभुज के तीन पॉइंट थे, जो क्वेश्चन दिया था उसका वेलोसिटी दे रखी थी और एवरेज पूछा था, वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज से क्वेश्चन, यस यस, दो क्वेश्चन आए थे, एक नॉर्मली डिफरेंस से था क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो? नॉर्मली क्वेश्चन था कि दो वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 52 है, तो मूल 4% रेट दे रखी थी उसकी, तो पैसा पूछा था कि कितना पैसा लगाया। जी, कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए 102 अटेम्प्ट की, मेरी 105 की अटेम्प्ट है। यस, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर का था नॉर्मली तरीके से, जो नीति आयोग के सीईओ पूछे गए थे, सीईओ अभी पूछे नीति आयोग। और किस महिला खिलाड़ी को सर्वाधिक मतलब घोष पत्र का में सबसे ज्यादा भुगतान किया गया है, किस महिला खिलाड़ी को? हाँ, बरमूल वगैरह पूछा गया? नहीं, बरमूल से नहीं था, लेकिन बरमूल से एक नॉर्मली सरलीगढ़ का क्वेश्चन था, नॉर्मली सरलीगढ़ का सिंप्लीफिकेशन में बरमूल दे रखा था। क्या क्वेश्चन था? ऐसे करके था कि अंडर रूट में 49 का स्क्वायर दे रखा था, 24.01, तो उसमें अंडर रूट 49 दे रखा था, प्लस में अंडर रूट 95 का स्क्वायर दे रखा था, तो उसका बरमूल लेके प्लस 9.5 था, तो वो आंसर आ रहा था। दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं, ग्रह बार, हाँ ये पूछा था कि चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी कितनी पूछा था बस। क्वेश्चन तो ठीक है, बाकी थोड़ा मैथ लेंथी बहुत है, मतलब हिस्ट्री के कोई क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन था कि शाहजहां ने कौन सी चीज नहीं बनवाई, चारों ऑप्शन दे रखी, कौन सा महल नहीं बनवाया, क्या क्या ऑप्शन दिए गए? पंचमहल जी, क्या ऑप्शन दिए गए? पंचमहल, ताजमहल, लाल किला, और एक और ऑप्शन था, फिल्मों से कोई नहीं, वगैरह से कुछ, फिल्मों से कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन आया हो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से? किससे? ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से, हाँ जीते दो क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे?
ये क्वेश्चन नहीं, वो नॉर्मली क्वेश्चन था। एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से कहता है एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कि वो उसकी कुछ दादी की बहू है, ऐसा सिस्टम था। ध्यान नहीं, कोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन। हाँ, कोडिंग कोडिंग से क्वेश्चन। अभी देखो क्वेश्चन करीबन तीन समथिंग होंगे, तीन चार के समथिंग। डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक कोई क्वेश्चन नहीं है। मैथमेटिक्स में किस किस टॉपिक को टच किया गया? मैथमेटिक्स में लॉस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और SICI, थोड़ा सा मेंसुरेशन भी का भी यूज था। और ट्रेन का ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ट्रेन का? ट्रेन का क्वेश्चन था कि कोई गाड़ी पुल को पार कर रही थी, 238 मीटर लंबे पुल को पार कर रही थी 49 सेकंड में, और खुद एक लट्ठे को पार कर रही थी 15 सेकंड में। तो बताओ ट्रेन की लंबाई पूछी थी जी। ये क्वेश्चन था बायोलॉजी से कि जो पौधों में मिट्टी मिलाई जाती है वो किस तरीके से पोषक देती है, उसका नाम क्या है, वो नॉर्मली तरीके से उर्वरक के रूप में। जैसे जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। कथन निष्कर्ष तो खैर काफी बड़े थे, लेकिन क्वेश्चन तो थे। कथन एक पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है, और कुछ पेन किताबें हैं वगैरह। क्वेश्चन था कुछ एक ऐसे था कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं, ऐसे करके चूहे, हाँ ऐसे करके कुछ कुत्ते जानवर थे, ऐसे क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन आए? दो क्या थे? अब ये तो वो था कि घन को पिघला के घनाभ बनाया गया है, तो उसका कुछ बिकट दे रखा था और उसकी लंबाई वगैरह, घनाभ की लंबाई पूछ रहा था, घनाभ की लंबाई बता। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन? हाँ, पॉलिटिक्स से काफी क्वेश्चन आए। नॉर्मली वो पीटी नेहरू के बाद कौन से प्रधानमंत्री बने? तत्काल पंडित नेहरू के कार्यकाल प्रधानमंत्री। न्यायालय की स्थापना कब हुई भारत में? राज्यसभा को उच्च न्यायालय, उच्च क्यों बोलते हैं उसे, उसमें उच्च सदन क्यों बोलते हैं? कार्यकाल कितने, कार्यकाल तक रहता है वो सिस्टम? कौन से किसका सदस्य होता है, ये सवाल आया था। ये क्वेश्चन थे नॉर्मली। निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन कौन कौन भाग लेता है? ये चार पांच क्वेश्चन थे नॉर्मली पॉलिटिक्स से। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर? काफी सरल एग्जाम है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। रह सकते हो? क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स से सर आए थे राज्यसभा में, राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है, और राज्यसभा का विशेष सत्र कौन बुला सकता है, और पर्थ स्टेडियम कहाँ पे है, इससे रिलेटेड पीटी ऊषा का नाम क्या था पुराना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। संविधान से क्या क्वेश्चन आए? संविधान से सर, संविधान का क्वेश्चन था सर, धारा 370 कौन से राज्य से जुड़ी हुई है, जम्मू कश्मीर था उसका आंसर, इस तरीके के क्वेश्चन थे, और काफ़ी पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे संविधान से। पॉलिटिक्स से क्या क्वेश्चन थे बताए थे सर? ये पॉलिटिक्स का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है, इस तरीके से। कितने क्वेश्चन किए आपने? 91 90 क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में? क्वेश्चन लेंथी थे दो चार, और रीजनिंग सरल थी। सही है, मैं यही पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन याद है आपको बायोलॉजी का? बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का बस। हिस्ट्री में? हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं था, ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे ज्योग्राफी? ये पेज राष्ट्रीय अभियान है, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन प्रधानमंत्री रहे थे, ये क्वेश्चन आया था एक तो। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? और यही राज्यसभा कितने सालों के लिए उसका चुनाव होता है, ऐसे क्वेश्चन आते सिंपल से ज़्यादा। सांची का स्तूप कहाँ पर है? हिस्ट्री से आया है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैथमेटिक्स में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज सरल क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन थे, और ग्राफ के भी थे क्वेश्चन। ग्राफ क्या क्वेश्चन थे? ग्राफ में दे रखी थी ग्राफ, उसमें पूछा था कि इनका अनुपात क्या है और किसका औसत, दो तीन ग्राफ थे उसमें, लगा था C1 C2 का ग्राफ वो क्या है, औसत पूछा था, अनुपात पूछा था। ग्राफ तो एक ही था पर उसके क्वेश्चन अलग थे, मतलब एक ही ग्राफ था। क्वेश्चन कोई कहीं पर है, कोई 50 पे, कोई 75 पे, कोई ऐसे क्वेश्चन थे हमें, एक जैसे नहीं, लाइन से लाइन से। दर्पण से क्वेश्चन आए हो? दर्पण से आया था, जलप्रतिबम से, और दो तीन क्वेश्चन आए दर्पण। क्या क्वेश्चन थे? एक तो जलप्रतिबम था, एक दर्पण वाले थे, मीनिंग वाले। क्या क्वेश्चन थे? ABCD वाले, वो एक दर्पण का था और उसका मिनरल वाटर का था, ये थे। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज का क्वेश्चन? हाँ थे, बिल्कुल थे, दो तीन चार क्वेश्चन थे उसी में ज्यादा थे, चक्रवर्ती ब्याज का भी था और साधारण ब्याज का भी था। क्वेश्चन क्या थे? इतना तो मुझे याद नहीं, संख्या क्या थी? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, खेल से आया हूँ। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है?
ग्लैंड स्लैम किससे? टेनिस से। कोई फिल्मों से क्वेश्चन आया हो? नो नो फिल्मों से नो। रीजनिंग में ब्लड रसन से? ब्लड रसन से आया क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन थे रीजनिंग। क्या क्वेश्चन थे वो? एक दो पजल थी। नहीं टू जी आ गया। पजल पजल क्या थी? पजल वही तेरी रिलेशन रिलेशन में थी पजल। उसका पिता ये है, उसकी माँ है, उसकी ग्रैंड मदर वो है। दो तीन कथन थे उसमें। कुत्ते बिल्ली वाले थे, कुछ कुत्ते हैं बिल्ली है वाला ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन किए? मैंने 100 क्वेश्चन किए ओनली। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे संविधान से? संविधान से एक था तुम्हारा जो कार्यकाल जो होता है उसके लिए राज्यसभा का पूछा गया था एक क्वेश्चन, उसका 6 वर्ष। कितने क्वेश्चन किए? 87 आएगा। कितने क्वेश्चन किए? 87 किए मैंने। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 90 से 100 के बीच में अटेम्प्ट किए। क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से? सिंपल क्वेश्चन है, करंट अफेयर से, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ज्योग्राफी के थे, बाद बाकी स्टैटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन भी हैं, 5 से 7 क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन आज सेकंड शिफ्ट में रेलवे आरपीएफ एसआई एग्जाम में 10 जनवरी 2019 को पूछे गए। कैंडिडेट ने बताया भी और आपने देखा भी। अब नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे, आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जब भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित करदम, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब।